बच्चों, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें क्या पूछा जा रहा है और आपको ऑप्शन भी दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन में यह है कि इफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज बाई 10%, मोमेंटम आपने बढ़ा दिया है 10%, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाई, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस परसेंटेज से इंक्रीज होगी। मतलब आपको इस क्वेश्चन का आंसर चेक करना है कि इनमें से कौन सा होगा। तो पहले परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकालिए। यहां पे इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं है, पूछा जा रहा है देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, लेकिन आंसर दिया गया परसेंटेज में, तो आपको निकालना है इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, लेकिन परसेंटेज इन इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो पहले आप सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, क्या फाइंड आउट करना है आपको, फाइंड आउट करना है ये, फाइंड आउट परसेंटेज इंक्रीज इन, परसेंटेज इंक्रीज इन, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी आपको ये निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, मैं फॉर्मूला बता दूं, परसेंटेज इंक्रीज इन, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के फाइनल माइनस के इनिशियल डिवाइड बाई के इनिशियल इंटू 100। आपको ये करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले के साथ आपको जाना है। तो करना क्या है, पहले पहले देखिए मोमेंटम कुछ रहा होगा, उसको आपने 10% बढ़ाया है, तो लेट इनिशियल मोमेंटम कितना है, जो इनिशियल मोमेंटम है वो मैंने मान लिया पी, उसको पी मान लिया, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी होगी, के इनिशियल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, एक रिलेशन होता है देखिए, के इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m, ये होता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन। अगर मैं इसको इनिशियल कर दूं तो ये आ जाएगा पी इनिशियल आ जाएगा, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो ये पी इनिशियल आ जाएगा। अब मैं कह रहा हूं कि इंक्रीज इन मोमेंटम कितना है, यहां देखो ये हो जाएगा इनिशियल, तो इनिशियल मोमेंटम आपके पास जो था पी इनिशियल, उसकी वैल्यू आपके पास पी है, तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा, फाइनल मोमेंटम देखो क्वेश्चन में ही कह दिया है कि जो फाइनल मोमेंटम होगा पी फाइनल वो कितना है, 10% बढ़ा दिया है, तो पहले पी था और फिर पी का आपने 10% इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब पी प्लस पी इंटू 10 डिवाइड बाई 100, तो 0 से 0 कैंसिल करोगे 10 आएगा, यहां 10 वन 10 और ये 11, तो ये हो जाएगा 11/10 पी, या मैं इसको ले सकता हूं 1.1 पी। ये आपके पास मोमेंटम में इंक्रीज हुआ है, पहले मोमेंटम पी था बाद में हो गया है 1.1। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी कैसे हो जाएगी, यहीं पे साइड में निकाल दीजिए, काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या आ जाएगी, पी स्क्वायर फाइनल, देखिए पी स्क्वायर एफ, ये पी एफ स्क्वायर अपॉन 2m आ जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल यहां से निकलेगी, यहां से काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकलेगी। अभी फाइनल मैंने निकाला नहीं है, मैं निकाल दे रहा हूं, देखो यहां पर 1/2m तो अलग कर लीजिए, पी फाइनल की वैल्यू ये है, स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, स्क्वायर करोगे आप यहां से 1.1 पी का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये जो रिजल्ट है केएफ ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1.21 इंटू पी स्क्वायर बाई 2m, ये आ गई आपके पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब आप इस फॉर्मूले के साथ जाइए जो आपके पास है, जिसको आपको यूज करना है, जिससे आपको फाइनल रिजल्ट बनाना है, तो क्या आ जाएगा, देखो यहां पे परसेंटेज इंक्रीज इन, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, के एफ माइनस के इनिशियल डिवाइड बाई के इनिशियल इंटू 100 क्या आएगा, देखो के एफ की वैल्यू कितनी है, देखिए दोनों में पहले देखिए क्या मिल रहा, कॉमन क्या है, जो के इनिशियल है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू के जो पी इनिशियल था पी था, और यहां पे 2m है, मतलब तो आपको पता ही है ये पी इनिशियल, ठीक है, तो पहले के फाइनल की वैल्यू देखिए, के फाइनल की वैल्यू ये है पी स्क्वायर अपॉन 2m, पी स्क्वायर अपॉन 2m दोनों में कॉमन है, इसमें भी कॉमन है पी स्क्वायर अपॉन 2m, तो पी स्क्वायर अपॉन 2m इसमें कॉमन है, पी स्क्वायर अपॉन 2m इसमें कॉमन है, पी स्क्वायर अपॉन 2m इसमें कॉमन है, मैं यहां पे लिख दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, देखो यहां से पी स्क्वायर अपॉन 2m ऊपर से कॉमन हुआ, तो ऊपर से कॉमन होगा तो के फाइनल की वैल्यू देखो कितनी है 1.21, और
इसके साथ कुछ है ही नहीं, तो वन है। देखिए नीचे कितना आएगा जाके, जो नीचे की वैल्यू आने वाली है इसमें के इनिशियल की, वो तो पी स्क्वायर अपॉन टू एम ही रहेगी, तो ये तो पूरे की पूरे वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहां से जो रिजल्ट निकलेगा वो कितना निकलेगा, इंटू 100 भी साथ में, यहां से आ जाएगा 0.21 इंटू 100। तो ये क्या आ जाएगा, इसको हटाओगे तो ये देखो 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, 00 यहां से आ जाएगा 21%। तो आप देख रहे हो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको इजी वे में करना है, कंसेप्ट थोड़ा पकड़ना है। हो सकता था यहां की परसेंटेज में ना देते आंसर, आपको इंक्रीज वैल्यू देते, लेकिन परसेंटेज में दिया है तो परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा और ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। पहले इनिशियल वैल्यू देख लीजिए, लेट कर लीजिए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए, क्योंकि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में यही फॉर्मूला होता है, सिर्फ आप इसको याद रखेंगे, किसमें काइनेटिक एनर्जी एंड पी में रिलेशन होता है, क्या होता है के इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन टू एम, ये होता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन, इसी से ये क्वेश्चन डील होता है, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए।